दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में दही बड़े। उसके लिए हमने जो सामग्री ली है वो है 100 ग्राम हमने मूंग दाल ली है और 100 ग्राम ही हमने उड़द दाल ली है, जिन्हें हम 4-5 घंटे के लिए धो करके और भिगो देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम सोडा है और 15-20 काली मिर्ची है, आधा छोटी चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग, नमक आधा छोटी चम्मच और 1 टेबल स्पून तेल है दही बड़े पे लगाने के लिए। ये तो है हमारा दही बड़े बनाने का सामान। और आधा किलो दही है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। और एक कटोरी मीठी चटनी है, चाहे हम इमली की ले सकते हैं या हम अमचूर की बना सकते हैं। अमचूर की चटनी मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखी है। नमक, भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर, पुदीना और लाल मिर्ची, ये हमें दही बड़े सर्व करने के लिए चाहिएगा। ये दोनों दाल हमने अलग अलग 4 घंटे के लिए भिगो करके धो के तैयार करके रखी हुई है और अब हम इस दाल को पीसेंगे। एक जार में हमने उड़द दाल डाल ली है और क्योंकि हमारी दाल थोड़ी है और एक बार में पीस जाएगी, इसलिए हम मूंग दाल भी इसी में डाल लेंगे साथ में। अगर हमारी दाल हम जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हम दोनों दालों को अलग अलग पीस के और फिर एक साथ मिक्स कर सकते हैं। मेरे ये थोड़ी है और जार में एक बार में आ गई है, इसलिए मैंने दोनों दालें एक साथ डाल करके पीस ली है। अब हम इन्हें बारीक पीसेंगे, ना ज़्यादा बारीक करेंगे और ना ही मोटा रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारी दाल ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डाला है और अब हम इसे वापस से पीसेंगे। ये हमारी दाल पीस गई है, हमने इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है और ना ही ये बारीक है। हमारी दाल बिल्कुल दही बड़ों के लिए तैयार है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। दाल हमारी पीस गई है, हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया था। और ये देखिए एकदम हमारी दाल तैयार है, सूजी से थोड़ी मोटी है। और अब हम इसे 2-3 मिनट तक कांटे की मदद से इसी तरह फेंटेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए, थोड़ी फूल जाए। हमने इसको 2 मिनट फेंटा और ये देखिए थोड़ा फ्लफी लगने लगा है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और काली मिर्ची कूट लेंगे, जरा कूट लेंगे हम काली मिर्ची को। अब ये काली मिर्ची हम दही बड़े के मिक्सचर में डालेंगे, नमक, जीरा और हींग डाल करके फिर से अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। कुकर में हमने थोड़ा पानी डाल दिया है, आधा लोटा के समथिंग, और अब हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। हमने सीटी और रिंग निकाल दिए और अब हम इसे ढक करके गर्म होने देते हैं। तब तक हम हमारे दही बड़े को सांचे में तेल लगा करके और रखेंगे। अब हम इसमें ये सोडा डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोडे को, तो हमारा मिश्रण थोड़ा और फूल जाएगा। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि दाल पीसते समय हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है, अगर हमारा मिश्रण पतला हो जाए, तो हम इसमें थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं। सूजी डाल के और 10 मिनट के लिए रख दें और फिर दही बड़े बना लें, अच्छे बनेंगे। इसमें सोडा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम सांचे में ऑयल लगाएंगे। अब हम इन सांचों में चम्मच की मदद से हमारे ये दही बड़े का मिश्रण डालेंगे। आप इसमें सोडे की जगह इनो फ्रूट सॉल्ट आता है वो भी डाल सकते हैं हम। इस तरह से हम इन्हें दही बड़ों का आकार दे देंगे। ऐसे ही हम सारे सांचों में दही बड़े का मिश्रण रख लेंगे।
हमने सांचे में सारे दही बड़े डाल लिए हैं, और ये कुकर वाला सांचा है। अब हम इसे कुकर में अंदर रखेंगे। और 15 मिनट ढक्कन बंद करके पकने देंगे। एक बर्तन में हम पानी लेंगे और उसमें हम चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और चौथाई चम्मच से कम हींग डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे तैयार दही बड़े हम 5 या 10 मिनट के लिए पानी में सोख करके रखेंगे। 15 मिनट हो गई है और अब हम कुकर खोल के हमारे दही बड़े चेक करेंगे। हम एक साफ चाकू लेंगे और वो डाल के देखेंगे। हमारा चाकू एकदम साफ बाहर आ रहा है, मतलब हमारे दही बड़े बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल देंगे। हमने इन्हें निकाल कर 1 मिनट ठंडा कर लिया और अब हम इन्हें चाकू की मदद से चारों तरफ से उठाते हुए हटा लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इन्हें गरम गरम ही पानी में डाल लेते हैं। इस तरह से सारे निकाल के और दही बड़े हम 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख लेंगे। हमने सारे दही बड़े निकाल के पानी में भिगो दिए हैं और अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गई और ये हमारे फूल गए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से निकालेंगे और हल्का सा इनको दबा करके इनका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालेंगे और सर्विंग प्लेट में डाल के हम इन्हें सर्व करेंगे। ये हमारे बहुत ही कम तेल में, 1 छोटी चम्मच के बराबर हमें इसमें तेल यूज लिया है, बहुत ही कम तेल में और बहुत स्वादिष्ट अच्छे दही बड़े बने, एकदम सॉफ्ट। आप ये बनाइए गर्मियों में या कभी भी खाइए, बहुत अच्छे बनेंगे। बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ मेरे चैनल पे शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।